नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को उत्तर प्रदेश के महोबा में गरीब रेखा के नीचे रहने वाले लाभार्थियों के बीच एलपीजी का कनेक्शन वितरित कर उज्ज्वल योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महोबा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। इसी सिलसिले में आज 10 अगस्त को कैप्टन दिल्ली पहुंचे हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पंजाब मंत्रिमंडल में फेरबदल पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत की हालिया सफलता से अभिभूत होकर ओडिशा सरकार ने घोषणा की है कि वो 693.35 करोड़ रुपए के निवेश से राज्य के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में 99 बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियमों का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। बता दें कि ओडिशा सरकार भारतीय हॉकी टीमों की रिस्पॉन्सर भी है। साथ ही उन्होंने राज्य में हॉकी के विकास के लिए काफी काम किया गया है। उसने पिछले कुछ सालों में हॉकी के कई बड़े टूर्नामेंटों की मेजबानी भी की है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आरोप लगे हैं कि कार्यक्रम के दौरान विवादित नारेबाजी की गई और भड़काऊ भाषण दिए गए। इस मामले में अब कार्यक्रम के आयोजक अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अश्विनी उपाध्याय समेत 5 लोगों को दिल्ली पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों ने आज मंगलवार को एक दिन की हड़ताल पर जाने की योजना टाल दी है। AIPEF ने एक बयान में कहा है कि बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह के बयान के बाद एक दिन की हड़ताल को टाले जाने का निर्णय किया। मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने संसद में पेश किए जाने को लेकर बिजली संशोधन विधेयक 2021 को अब तक मंजूरी नहीं दी है। समिति के अनुसार अगर विधेयक को संसद में पेश किया जाता है तो वे बिजली कर्मचारी उसी दिन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू कश्मीर के शोपिया में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमला हुआ है। सूत्रों के अनुसार इस हमले में एक जवान घायल हो गया है। आपको बता दें कि इसे एक दिन पहले सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून से संबंधित विधेयक का अंतिम मसौदा तैयार कर लिया है। आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल ने बताया कि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे को जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाएगा। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को 17 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश कर सकती है। कनाडा ने देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के मद्देनजर भारत से सीधी यात्रा उड़ानों पर लगाए प्रतिबंध को 21 सितंबर तक बढ़ा दिया है। कनाडा के यातायात विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी की नवीनतम सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह के आधार पर कनाडा यातायात विभाग नोटिस टू एयरमैन का विस्तार कर रहा है, जिसके तहत भारत से कनाडा के लिए सभी सीधी वाणिज्यिक और निजी यात्री उड़ानों को 21 सितंबर तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। देश में पिछले कई दिनों से तेजी से ऊपर जा रहे कोरोना के ग्राफ में पिछले 24 घंटे में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 28,204 नए के सामने और वहीं इस दौरान 373 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,19,98,158 हो गई है। देश में अब कोरोना के 3,88,504 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,11,80,968 लोग ठीक हो चुके हैं और वहीं अब तक कोरोना से 4,28,682 लोगों की मौत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद आज मंगलवार को देश में पेट्रोल के दाम लगातार 24वें दिन स्थिर रहे। डीजल के मूल्य में भी लगातार 25वें दिन कोई बदलाव नहीं किया गया। तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपए और डीजल 99.87 रुपए प्रति लीटर पर टिका रहा। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।